नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। मुल्ताई पवित्र नगरी में विगत 30 वर्षों से तर्पण समिति द्वारा निशुल्क तर्पण कर्म करवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में गुरुवार को पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर पंडित गणेश त्रिवेदी के सानिध्य में माँ ताप्ती के तट पर तर्पण कर्म करवाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। समिति के विजय शुक्ला ने बताया कि माँ ताप्ती संसार की पहली नदी है और इसके जल में बैठकर तर्पण कर्म करने का अपना विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि विगत 30 वर्षों से यह आयोजन लगातार प्रतिवर्ष होते आ रहा है। लगभग 20 वर्षों तक पंडित दुर्गा प्रसाद त्रिवेदी द्वारा इसे संपन्न करवाया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गणेश द्विवेदी द्वारा प्रतिवर्ष नियमित इस तर्पण कर्म का आयोजन करवाया जा रहा है। गुरुवार को आयोजित हुए तर्पण कर्म आयोजन में लगभग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिन्हें तर्पण समिति द्वारा निशुल्क पूजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। आपके द्वारा ये जो तर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस संबंध में बताएं। ये हमारा तर्पण जो ताप्ती के पावन तट पे होता है, ये निरंतर पिछले 30 वर्षों से चल रहा है। इसके पहले मेरे पिताश्री श्री दुर्गा शंकर त्रिवेदी जो हमारे जो गुरु भी और हमारे पिताश्री भी है, वो लगातार तर्पण घाट समिति के साथ में निशुल्क तर्पण करवाते रहे, जो लगातार 20 वर्षों तक कराते रहे। उनके देहांत होने के बाद ये सारी जवाबदारी मुझ पर आई, तो मुझे समिति वालों ने कहा कि भाई आपको ये काम संभालना पड़ेगा। तो मैं निरंतर 10 वर्षों से लगातार ये तर्पण यहाँ मेरे पिताजी के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ, और माँ ताप्ती की कृपा से उनकी महिमा से ये तर्पण की जो प्रक्रिया है दिनों दिन बढ़ रही है। अच्छा, ये इसमें कितने लोग सम्मिलित हो जाते हैं? शुरुआत में 40 लोग कम से कम आते हैं, लेकिन जब पितृमोक्ष अमावस्या होती है तो वहाँ पर 100-150 लोग भी आराम से यहाँ पर आते हैं, और सभी अपने पितरों के लिए यहाँ पर बिल्कुल भाव श्रद्धा और विश्वास के साथ तर्पण करते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शहरी क्षेत्र के साथ क्या ग्रामीण क्षेत्रों के? ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत आते हैं, शहरी क्षेत्र भी बहुत आता है, जैसे छिंदवाड़ा से भी आते हैं, दक्षिण भारत से भी कुछ लोग यहाँ पधारे, जो आज पधारे हैं उन लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर तर्पण किया है। उनका नाम श्री नायर सर है जो यहाँ पर आए हैं, और उन्होंने तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि इतनी दूर से चलकर यहाँ पर आकर अपना अनमोल समय यहाँ प्रदान किया पितरों के लिए। धन्यवाद सर। ये जो माँ ताप्ती के तट पर तर्पण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है, इस विषय में बताइए। यहाँ पर तर्पण किया जाता है, ताप्ती तर्पण समिति बनी हुई है मुल्ताई में, जो निःशुल्क तर्पण कराती है। ये कि इसकी स्टार्टिंग हमारे गुरुदेव त्रिवेदी महाशय ने कराई थी, और पिछले 30-35 सालों से यहाँ तर्पण हो रहा है। काफ़ी लोग हर जगह से, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत से लेकर लोकल के लोग, गांव क्षेत्र के लोग, सभी लोग आके यहाँ तर्पण करते हैं। और जब कारगिल युद्ध हुआ, हमारे गुरुजी ने कहा कि यार ये शहीद लोग बेचारे शहीद होते हैं, पता नहीं इनका तर्पण होता है कि नहीं होता, किस गाँव के हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उसको लेकर हमारे गुरुजी ने चिंतन करते हुए ये रखा कि सबका शहीदों का तर्पण अपने को करना चाहिए। समिति से कहा कि आप सब लोग बैठकर अपने शहीदों का भी तर्पण करें। इस प्रकार कारगिल युद्ध के बाद यहाँ पे शहीदों का भी तर्पण होने लगा। ये कब से चल रहा है शहीदों का तर्पण? ये कारगिल युद्ध जब चालू हुआ, उसके बाद शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, उसके बाद यहाँ पे तर्पण चालू हुआ। हमारे गुरुदेव ने चालू करवाया था, वो परंपरा को निभाते हुए हमारे जब उनका देहांत हो गया तो उनके बाद उनके पुत्र गणेश महाराज द्वारा ये तर्पण किया जा रहा है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए मुल्ताई से अनीश नायर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।